सोक्लेम 50 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। किप्टीपिंस 50 mg रहता है और ये 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 49.80 रुपीज़ रहता है। ये टेबलेट जो कि साइकोटोक्टी रिकमेंडेड करते हैं जो कि सीजोफ्रेनिया और मेनिया का ट्रीटमेंट करने के लिए रिकमेंडेड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है ड्रग कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और उसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी मेडिसिन या कोई भी टैबलेट या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। सोक्लेम 50 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। किप्टीपिन 50 mg रहता है और ये 49 रुपीज़ का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये टैबलेट जो कि साइकोटिक डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं जो कि ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल डिसऑर्डर होता रहता है जिसमें क्या होता है कि जो आदमी रहता है या औरत रहती है तो उसको एबिलिटी नहीं होता कि सोचने का और बिहेव करने का तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है जिसको सिजोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है और मेनिया का ट्रीटमेंट करता है और ये ट्रीटमेंट करता है बाइपोलर डिसऑर्डर का ये ट्रीटमेंट करता है। तो इस टैबलेट का यूजर्स केवल सिजोफ्रेनिया और मेनिया का ये ट्रीटमेंट करता है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं कर रहे हो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि डाइजीनेस मुंह में सूखापन नींद कम आना कॉन्स्टिपेशन होना ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकते हैं। तो इस टैबलेट का डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इस टैबलेट को जब भी ले तो डॉक्टर की सलाह से ले और ये टैबलेट काम कैसे करती है तो इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो एटिपिकल्स एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है जो कि क्या कर देता है कि मॉड्यूलेटिंग करता है एक्शंस को और सर्टन केमिकल मैसेंजर भेजता है ब्रेन तक जिससे क्या होता है कि सब ये एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ऐसे काम करती है टेबलेट। तो इस टेबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।